एक आप सर राज्यसभा में हैं, आपके राज्यसभा में मित्र थे आप ही की पार्टी के, मुझे नहीं पता अभी मित्र हैं कि नहीं, पर अब आपकी पार्टी में नहीं है दिनेश त्रिवेदी। इनफैक्ट जब दिनेश त्रिवेदी ने बजट सत्र के दौरान 4 मिनट का समय लेके ये कहा था कि मेरा दम घुट रहा है, बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो आपने इस पर ऑब्जेक्शन भी रेज किया था सभापति के साथ। कई नेता जो तृणमूल कांग्रेस का बड़ा अभिन्न अंग थे, राजीव बनर्जी, शुभेंदु का परिवार जो है, या दिनेश त्रिवेदी, ये सब लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, खासतौर पर पिछले एक साल में। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? देखिए, दिनेश त्रिवेदी के बारे में मैं सिर्फ यही बोलना चाहता, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा नहीं जानता हूँ, इस मकसद पर उन्होंने पार्टी छोड़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने जो बताया आमतौर पर कि दम घुट रहा था, घुटन आ रहा था, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में हार गए 2019 में, और कई चंद महीनों में ममता जी उनको राज्यसभा में टिकट देके राज्यसभा में लाया। ममता जी के दया से उन्होंने राज्यसभा का मेंबर बना, तो लोकसभा हारने के बाद उनका घुटन आ गया था, राज्यसभा में मनोनीत होने के बाद भी उनका घुटन आ गया। इतना जल्दी जल्दी घुटन आने से कहीं बीजेपी के साथ योगदान करने के बाद उनका अंतिम घुटन ना आ जाए, ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। और बाकी नेता जो छोड़ के जा रहे हैं, कितने विधायक मंत्री नेता जो गए, उनको मालूम था कि इस बार उनको, वो हमारा पार्टी का इंटरनल असेसमेंट था, और हमारे पास बहुत सारे कंप्लेंट भी आए थे उन लोगों के बारे में, तो पार्टी ने निर्णय लिया था कुछ लोगों के बारे में, सिर्फ 2-3 नहीं और भी है, कि इन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। आप देखिएगा हर चुनाव में हर पार्टी कुछ लोगों को टिकट नहीं देते हैं, कुछ नई उम्मीदवार को खड़ा करते हैं, ये सिर्फ हमारे पार्टी में नहीं, सब पार्टी में होते हैं, तो उसी प्रक्रिया की अंग था ये कि इन लोगों को नॉमिनेशन नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए वो लोग पहले से चले गए। दूसरा है, कुछ लोगों का वो जो चीट फंड वाला केस में फंसे हुए थे, क्योंकि आप जो नाम 2-3 लिया, उनमें से एक आदमी को तो 2014 के सितंबर में CBI ने बुलाया था, फिर कुछ ऊपर से कुछ हस्तक्षेप हुआ और बाद में उनको बुलाया नहीं, लेकिन आम सभा में वो खुद बोला कि हम 2014 से ही बीजेपी का एक नेता का नाम लिया, कि नेता के साथ हमारा संपर्क 2014 से है, इसलिए था। हमारा अनुमान है कि वो जो चिट फंड केस से बचने के लिए वो इतने समय, कई साल तक उन्होंने संबंध रखा और आज बीजेपी में योगदान किया उसी कारण, ताकि उसको जेल ना जाना पड़े, क्योंकि उनके पास ऑप्शन 2 है, या तो जेल जाओ या हमारे पार्टी में आओ, हमारे पार्टी मतलब बीजेपी, तो ये सोचा कि हम जेल में जाएंगे ना बीजेपी में जाएंगे, तो बीजेपी को उन्होंने ऑप्ट किया, तो उनका अपना डिसीशन है। अगर आपके इल्ज़ामों को सही मान लिया जाए तो एक सवाल सर ये उठता है कि अगर इन मंत्रियों के खिलाफ इतनी गंभीर शिकायतें थीं, तो आपने इन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों नहीं किया? इनके पार्टी छोड़कर जाने का इंतजार क्यों करते रहे आप लोग? हमने किसी को निकाला नहीं। क्यों? हम निकालते नहीं हैं। किसी के खिलाफ शिकायत होगी तब भी नहीं निकाले? कि हम चाहते कि अंतिम दिन तक ये रहे, ताकि लोग इसका असली चेहरा ये बेनकाब हो कि 10 साल तक इनको कुछ नहीं हो रहा, अभी जो बोल रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं हमारे पार्टी के खिलाफ, हमारे लीडरशिप के खिलाफ, 10 साल में कभी भी ये महसूस नहीं हुआ उनका। अब जब टिकट नहीं मिल रहा है, तब वो बीजेपी में योगदान करते हैं, बोलते हैं कि 10 साल हमारा नींद खो गया था, वो घुटन हो रहा था, वगैरह वगैरह।